जालंधर के कोट किशन चंद स्थित सती श्री वृंदा देवी मंदिर में 19 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले तुलसी आंवला पूजन महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हवन यज्ञ एवं झंडे की रस्म के साथ किया गया। इस मौके पर विधायक बाबा हेनरी, मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान बलराम कपूर, सभापति हरिपाल सोंधी, संयुक्त सचिव व कोषाध्यक्ष महेश कालिया काकू, उपप्रधान जीवन शर्मा, नरेंद्र शर्मा, प्रिंस सोंधी, टीनू सोंधी, तरुण अग्रवाल, सुखबीर खन्ना, संजय गुप्ता, विनोद सोंधी, अनुराग सलवान, लखावंदर सिंगलाली, रमित दत्ता, अनीता खन्ना, सुखबीर खन्ना बबलू परिवार व रंजना अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल परिवार, श्रीकंठ जज, मुनीष शर्मा मनु, अश्विनी शर्मा धूप वाले, सुनील शर्मा, राजन शारदा ने हवन यज्ञ में आहूतियां डाली। इस वार्षिक मेले में सुबह से लेकर सायं तक मां भक्तों ने मां सती वृंदा देवी के समक्ष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर स्त्री सत्संग सभा माता वृंदा देवी मंदिर की ज्योति सोंधी, तरुणा शर्मा, रेणु सोंधी, शशि सरीन, किरण चड्डा, उर्मिला बजाज, भूमिका सोंधी, कनिका सोंधी, मोना बजाज, रक्षा रानी, वंदना शर्मा, रानी शाह सहित बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल रहे। महोत्सव में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए सदस्यों ने बताया कि 20 नवंबर को गोपाष्टमी पर्व, 21 को अक्षय नवमी, आंवला नवमी, 23 नवंबर को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। 26 नवंबर को 365 ज्योति प्रज्वलित होगी तथा 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर दीप प्रवाहित की रस्म के साथ मंदिर में उत्सव की समाप्ति होगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। Thank you.